तो दोस्तों ये है यमाई एलईडी टीवी 4A Pro 32 इंच का, और दोस्तों ये स्मार्ट टीवी है दोस्तों, ये एंड्रॉयड ओरियो पर ये रन करता है। इसकी प्राइस यहाँ पर 14,999 रुपये दिया गया है, तो लेकिन दोस्तों हमने अमेजोन से 13,000 में इसे परचेस किया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से इसे परचेस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसे फटाफट अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हमें स्टैंड दिया गया है, तो दोस्तों अगर आपको टेबल पे लगाना है टीवी को तो ये स्टैंड आप यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों इसके अंदर हमें और क्या देखने को मिलता है वो सारा मैं आपको दिखा देता हूँ। और दोस्तों ये इसमें रिमोट कंट्रोलर और यूज़र मैनुअल दिया गया है, अगर आपको दीवार पे लगाना है तो उसके लिए आपको टूल अलग से परचेस करना होगा। तो दोस्तों इसमें यहाँ पर जो है पीछे आप वो टूल लगा के आप दीवार में लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसका फीचर्स मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप अपना पुराना एंटीना आप यहाँ पर लगा सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर जो है आपको डुअल यूएसबी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, इसके बाद आप यहाँ पर जो है यहाँ पर ट्रिपल एचडीएमआई केबल आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, और ये यहाँ पर जो है AVI केबल आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर नीचे स्पीकर दिया गया है, और दोस्तों इसकी बिल्ड क्वालिटी आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा है दोस्तों। और दोस्तों इसमें वाईफाई भी दिया गया है, और इसमें आप ब्राउजिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसका रिमोट ब्लूटूथ से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको कुछ टाइप करना हो तो आप डायरेक्टली एक बटन को दबा के आप वॉइस टू आप इसमें टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो दोस्तों दीवार पे आपको टीवी को लगाने के लिए आपको उसका टूल अलग से परचेस करना होगा, तो हमने इसका टूल अलग से परचेस किया था। तो दोस्तों मैं इसे आपको ऑन करके दिखा देता हूँ, तो ये थोड़ा टाइम देगा दोस्तों, तो मैंने इसे पहले भी ऑन करके देखा हुआ है, तो इसका सेटअप मैंने ऑलरेडी कर दिया हूँ, तो ये डायरेक्टली ऑन हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये यहाँ पर ऑन हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको वॉइस सर्च भी आप इसमें कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको जितने भी एंड्रॉयड में एप्लीकेशन होते हैं वो सारा आप इसमें टीवी में यूज़ कर सकते हैं। तो मैं दोस्तों आपको सेटिंग इसका दिखा देता हूँ। तो दोस्तों हमने सेटअप बॉक्स इसे कनेक्ट कर दिया है, और उसे HDMI केबल भी मैंने इसे कनेक्ट कर दिया हूँ, तो मैं यहाँ पर जो है मुझे इनपुट में ओके कर देना है। इनपुट में जाने के बाद आपको जिस पोर्ट में आपको HDMI केबल लगाया है उस पर जाके आपको ओके कर देना है। तो हमने पोर्ट 1 में लगाया है, तो मैं यहाँ पर पोर्ट 1 पर ओके किया, उसके बाद यहाँ पर जस्ट 1 पर आप ओके कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है, तो ये चालू हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों इसे मैं स्टॉप कर देता हूँ, इसके बाद दोस्तों मैं इसकी सेटिंग आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों मैं सेटिंग पे ओके कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर नेटवर्क देख सकते हैं, इसका इनपुट देख सकते हैं, और यहाँ पर जो है वाईफाई भी इसमें आपको दिया गया है। इस वाईफाई की मदद से आप अपने टीवी पर ब्राउजिंग कर सकते हैं, और यहाँ पर जो है इसमें यूट्यूब भी आप चला सकते हैं दोस्तों। मोबाइल में जितना भी अवेलेबल होता है वो सारा इसमें दिया गया है। और दोस्तों इस टीवी में आप अपने मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन भी आप इसमें देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।